हे गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल। तो गाइस, आज हम लोग दोबारा से खेलने जा रहे हैं माइकल के पास लाइव सीरीज। तो मुझे काफी लोग बोलते रहते हैं, भाई माइकल के पास लाइव सीरीज के वीडियोस क्यों लेट होते हैं, क्योंकि गाइस आप लोग की वजह से। आप लोग लाइक एम कंप्लीट नहीं करवाते, मैं इधर इतना छोटा लाइक एम रखता हूं ना, बस आप लोग कंप्लीट ही नहीं करवाते। दोस्तों 7000 लाइक्स का टारगेट है इस बार गाइस, आप लोग को कंप्लीट करवाना है। 7000 लाइक्स कंप्लीट करवाओ, वीडियो अगले दिन ही आ जाएगी। तो गाइस, अगर आप लोगों ने लास्ट वीडियो देखी हो तो आप लोग को याद ही होगा, कुछ गैंग के बंदे आए थे जो ट्रेवर भैया को उठा के ना अपने साथ लेके चले गए थे। उसके बाद ना गाइस, हम ढूंढते उसी गैंग के अड्डे पे पहुंचे जहां पे काफी सारे गैंग के बंदे थे। ये समझ में नहीं आ रहा था इन्होंने ट्रेवर भैया को भाई क्यों उठाया। भाई हमने कितने सारे बंदों को यहाँ पे टपकाया, खत्म करा, जितने भी बंदे थे ना एक एक करके हमने उन सारे बंदों को टपकाया। तो हम फाइनली पहुंच गए ट्रेवर भैया के पास। बट उसके बाद ना भाई, इन्होंने पूरी बिल्डिंग गिराने का सोच रखा था। पूरी बिल्डिंग पे भाई हर जगह पे रॉकेट लॉन्चर छोड़ते जा रहे थे ये लोग। और भाई मैंने कैसे भी करके रॉकेट लॉन्चर वाले जितने भी बंदे थे ना उनको पकड़ पकड़ के ढूंढ के सबको एक एक करके मारा। एंड उसके बाद हमने ट्रेवर भैया को बचा लिया। बट उसके बाद हमें एक और बंदा मिल गया जो ट्रेवर भैया का दोस्त था, उसका नाम था ब्रैड। तो ट्रेवर भैया बोले कि भाई मेरा एक नया दोस्त बना है, प्लीज इसको भी अपने साथ ले चलो। बट हम जब उसके बाद ना वो गैंग के अड्डे में से बाहर जा रहे थे ना, इतने सारे बंदे थे ना, पता नहीं भाई कहां से आ गए फ्रैंकलिन भैया और मैंने भाई सारे बंदों को एक एक करके खत्म किया। और फाइनली हम पहुंच गए अपने घर पे। बट घर पे जब पहुंचे तब देखा भाई घर पे राशन ही नहीं है, और ब्रैड और ट्रेवर को मैं क्या खिलाऊंगा पिलाऊंगा, पूरे घर पे सब जीरो हो चुका था, एक पैसा नहीं था, खाना खाने तक के पैसे नहीं थे भाई अपने पास। तो मैंने अपने फोन पे इंटरनेट पे चेक करा कि कोई जॉब वो अवेलेबल है या फिर नहीं। तो फाइनली मुझे डायमंड कैसीनो की जॉब पता चली, जिसपे मतलब जॉब अवेलेबल है। उसके बाद ना गाइस, ये जो बुड्ढा है ना भाई, वो मुझे जाने नहीं दे रहा था, मुझे कह रहा था भाई मुझे थोड़ी भीख दे दो, पर अपने पास पैसे ही नहीं थे। और उसके बाद गाइस, सिक्योरिटी गार्ड भी मुझे अंदर घुसने नहीं दे रहा था, वो कह रहा था पहले मेरे से तुम पैसे लेके जाओ, अपने लिए कुछ बढ़िया कपड़े लेके आओ, फिर अंदर जाना। उसके बाद मैं पहुंच गया दुकान पे, अपने लिए शॉप पे पहुंच गया। उसके बाद मैंने अपने लिए बढ़िया बढ़िया कपड़े खरीदे। तो फाइनली मैं पहुंच गया डायमंड कैसीनो के अंदर, जहां पे इतने सारे लोग, इतनी अमीर अमीर लोग थे भाई, यहाँ पे गाड़ियां मस्त मस्त। उसके बाद मैं सीईओ की मैनेजर को मिला, एंड उसके बाद उन्होंने भाई मेरी जो जॉब है वो डन कर दिया डायमंड कैसीनो के अंदर। बाकी हाँ गाइस, यार अपनी जो जॉब है ना भाई, अब डायमंड कैसीनो के अंदर लग चुकी है। अभी अपने को भाई पैसे वैसे का सीन नहीं है इतना यार, कुछ घर के लिए खाने वाने को पैसे तो मिल जाएंगे। एक काम करते हैं, अभी ना पहले भाई नहा धो के ना पहले ना भाई वो वाले कपड़े पहनते जो लास्ट टाइम हमें सिक्योरिटी गार्ड ने दिए थे यार। ऑल राइट गाइस, ठीक है, नहा धो के हमने वही वाले कपड़े पहन लिए हैं। बाकी गाइस यार, हाँ यार, अब मुझे समझ में नहीं आ रहा कि हम भाई अभी क्या करें। ठीक है, ज़्यादातर मुझे जॉब करनी है और उसका कुछ खाने पीने के लिए पैसा आएगा, फिर क्या भाई ये घटिया ज़िंदगी चल रही है। और देखो भाई, अपने साथ वाले फ्रैंकलिन भैया जिनके पास पैसों की कमी नहीं है, गाड़ियां हैं भाई, सब कुछ है, अपने पास एक टूटा सा साइकिल है। भाई क्या करूं यार, मैं अपनी लाइफ को कैसे चेंज करूं यार। गाइज आप लोग बताओ यार। चलो भाई पहले तो फटाफट से ना बस कुछ खाते हैं यार पहले तो। बाकी चलो गाइज ठीक है यार, यहाँ पे कुछ बर्गर पड़ा था, बहुत टाइम पुराना बर्गर पड़ा था, अभी पेट तो भरना ही है भैया, क्या करें। चलो गाइज ठीक है यार, खाना वाना सब कुछ कंप्लीट हो चुका है, बाकी चलते हैं भाई अपने साइकिल को लेकर डायमंड कैसीनो में अपनी पहली जॉब करने के लिए। यार क्या घटिया लाइफ चल रही है यार अपनी, सही में यार बड़ा गुस्सा आ रहा है भाई। और ये देख लो भाई क्या बाहर ही खड़ा है भाई, गैंगस्टर भैया, ओ सॉरी फ्रैंकलिन भैया, देखो भाई बाहर ही खड़ा है बंदा। एंड इसकी लाइफ देखो भाई कितनी मस्त है, गाड़ियों में घूमता है और गाड़ियां ही गाड़ियां हर घर पे, हर जगह पे भर रखी है घर में भाई, कितनी अच्छी लाइफ है। और मैं देख लो भाई इतना स्ट्रगल कर रहा हूँ अपनी लाइफ पे। तभी कहते हैं गाइज यार, बुरे काम का जो नतीजा होता है वो बहुत जल्दी मिल जाता है, जो अच्छे काम होते हैं भाई उनका नतीजा थोड़ा लेट मिलता है, बट वो अच्छा ही होता है। बाकी चलो ठीक है यार, अब क्या ही कर सकते हैं, जब देखेंगे गैंगस्टर वाली लाइफ बननी होगी तब देख लेंगे भाई। चलो गाइस ठीक है, अभी इधर ओए सॉरी भैया सॉरी यार, अभी देखो भाई अपनी गरीब वाली लाइफ है ना, अभी बंदे ने देखो मैं उसके सामने से जा रहा हूँ, अगर बंदे की गाड़ी ठुकती ना वो बंदा आके मेरे को मारता, ये है भाई हम गरीबों की लाइफ, क्या ही बोले भाई। चलो ठीक है यार, अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, फटाफट से अपने साइकिल को भगा के सीधा निकलते हैं डायमंड एंड कैसीनो की तरफ। ऑल राइट गाइज ठीक है यार, फाइनली जो है मैं अपनी साइकिल को भगाता भगाता डायमंड कैसीनो के बाहर आ चुका हूँ। और भैया सुबह तो हो चुकी है, बाकी हाँ चलो आज से अपनी जॉब लग चुकी है भाई, बढ़िया दिन है। और चलो ठीक है, मतलब ठीक है यार सब कुछ, अब क्या ही बोलूँ भाई, क्या ही बोलने लायक बचा है कुछ भाई लाइफ में ना, कुछ मज़ेदार नहीं हो रहा यार, बस वही हो रहा है कि सुबह आओ अपना जॉब पर जाओ और रात को घर लौट जाओ, बस यही अपनी लाइफ में चल रहा है, कुछ बढ़िया सा नहीं चल रहा है यार, कुछ मज़ा सा नहीं आ रहा भाई लाइफ में। और बाकी यहाँ पे गाड़ियाँ देखो भाई, कितने अमीर अमीर लोग आते हैं यहाँ पे, और मैं ही, मुझे तो लगता है भाई यहाँ के जो
वर्कर्स भी होंगे ना, वो भी बहुत ज्यादा अमीर होंगे और मैं ही एक हूँ भाई नल्ला गई का, जो कि बिल्कुल ही जीरो हो रखा हूँ। चलो गाइस ठीक है यार, अभी इधर उधर की बातें नहीं करते, क्या ही रोना, जल्दी से चलते हैं डायमंड कैसीनो के अंदर एंड देखते हैं भाई अंदर जाके फिर कैसा स्वागत अपना होने वाला आज फर्स्ट दिन है अपना जॉब का जो। ऑलराइट गाइस फाइनली मैं आज जो है डायमंड कैसीनो के अंदर आ चुका हूँ और यहाँ पे भाई फुल फोटो शूट चल रहा है। चलो ठीक है भाई करते रहो तुम लोग फोटोशूट। और यहाँ पे भाई साहब गाड़ी देखो, मतलब रोज रोज गाड़ी चेंज होते रहती है। मुझे लग रहा है ना आज इन्होंने अपनी खुद की डायमंड कैसीनो की गाड़ी यहाँ पे लगा रखी है, जो कि सही में बहुत ज्यादा मस्त लग रही है और बढ़िया लग रही है भाई। चलो ठीक है भाई हम डायमंड कैसीनो के अंदर तो आ चुके हैं, आज से अपना जॉब का पहला दिन है। हमें जाना है पहले तो सीईओ की मैनेजर को मिलने, जिनकी अपने साथ बहुत अच्छी बनती है भाई, उनकी अपने साथ बनने अच्छी लगी है वैसे। और बाकी हाँ अभी देखते हैं आज उनसे पूछते हैं अपने लिए काम क्या है एंड मुझे लग रहा है ना अपने को भाई कुछ यूनिफॉर्म भी मिलेगी, क्योंकि मैं देख रहा हूँ जो भी यहाँ पे वर्कर्स है ना उनको सबको यूनिफॉर्म दी गई है और देखते हैं भैया हमको क्या यूनिफॉर्म मिलती है। बाकी चलो ठीक है मुझे ना उनका रूम ढूंढना पड़ेगा, एक सेकेंड, शायद मैं भी इधर से जा रहा था और यहाँ पे काफ़ी सारे लोग बैठे हैं। ऑल राइट, और यहाँ पे खाली पड़ा है और यहाँ पे भी काफ़ी सारे लोग बैठे हैं, शायद मुझे नहीं पता भैया मुझे अभी क्या कपड़े मिलने वाले हैं। बट एक सेकेंड, जो इनका रूम था उधर तो मैनेजर कुछ लिखा हुआ था लास्ट टाइम, मुझे इतना तो याद है। और एक सेकेंड यार मुझे ना ढूंढना पड़ेगा, ओके मैनेजमेंट ये रहा। चलो ठीक है भाई यहाँ से चलते हैं फटाफट से ऊपर एंड ऊपर चढ़ के ना, ओके ये क्या चल रहा है भाई, इनकी लड़ाई वड़ाई चल रही है क्या। चलो कोई दिक्कत नहीं है, यहाँ से चलते हैं हम इधर, स्टाफ ओनली तो अपने लिए, वो दरवाजे जो है ना वो बाद में खुलेंगे। ओके यहाँ पे हम गए एंड सीधा जाके अंदर जाके, ये पता नहीं भाई कौन है, अपने को क्या लेना देना। चलो गाइस सीधा चलते हैं अंदर। ओके मैडम तो यहीं पे खड़ी है, जाके इनसे बात करता हूँ कि भैया अभी मुझे क्या करना है और कैसे करना है, बात करते हैं इनसे। ओके गाइस मेरी जो है ना भाई इनसे पूरी बात हो चुकी है और इन्होंने मुझे बोला है आप लिफ्ट में चढ़ के ना थर्ड फ्लोर पे जाओ, थर्ड फ्लोर पे जाके ना आपको एक वार्डरोब मिलेगा, वहां पे जाके आप अपने लिए कपड़े, आपके लिए कपड़े रखे हुए हैं, आप वहां पे जाके कपड़े पहन लो। भैया अभी मुझे नहीं पता क्या कपड़े रखे हुए हैं, लिफ्ट में चढ़ के जाए क्या ही सीढ़ियां चढ़ के जानी भाई, चलो लिफ्ट में चलते हैं। एक तो मैं कब से वेट कर रहा हूँ लिफ्ट अब खुली जाके भाई, मैं सोच रहा हूँ लिफ्ट कब खुलेगी। चलो ठीक है भाई चलते हैं ऊपर। चलो गाइस ठीक है यार मैं लिफ्ट चढ़ के भाई डायमंड कैसीनो के अंदर, डायमंड कैसीनो के पेंट हाउस में आ चुका हूँ। अभी भैया मुझे कहाँ जाना, कहाँ है, किधर जाना, एक सेकंड रुको यार, शायद हो सकता है मुझे इधर जाना हो, वेट और शायद भाई इधर हो सकता है, नहीं है भाई ये तो किसी का रूम है भैंस की टंग, मैं क्या कर रहा हूँ भाई, रुको रुको शायद हो सकता है मुझे इधर ही जाना हो, एक मिनट यार भाई मुझे किधर जाना है यार, एक तो मेरे समझ में नहीं आ रहा भाई, सबके कितने लग्जरी हाउस है यार भाई, सही में बता रहा हूँ, मतलब यार लाइफ में इतना पैसा कमाना है कि ऐसे किसी रूम को मैं रेंट कर पाऊँ। बाकी चलो ठीक है अभी यहाँ से चलते हैं बाहर, आई थिंक ना मुझे ये तो रूफ टेरिस है तो यहाँ से तो हमें जाना नहीं है। ओके फिर बचा ये वाला जो दरवाज़ा, इसको चढ़ के मैं आ चुका हूँ और भाई साहब यहाँ पे ना काफ़ी सारे लोग हैं। ओके लोग तो हैं बाकी वो तो कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे कहाँ जाना है, एक सेकंड ये कोई दरवाज़ा है, नहीं भाई ये कोई दरवाज़ा नहीं है, अरे भाई मुझे कहाँ जाना है यार, रुको तो सही यार, मेरे को मेरा दर समझ में नहीं आ रहा कि ये तो बाथरूम है, पैस की टाँग क्या बाथरूम है भाई, सही में ऐसा बाथरूम हो ना बंदा 2400 घंटे इधर ही बैठा रहा है, बंदा बाहर ही ना निकले। ओके ये भी आई थिंक किसी का बाथरूम ही है जो कि अंदर नहीं झांकना है मुझे। ओके ये है भाई पार्टी एरिया, अरे यार लोग खड़े हैं यहाँ पे, चलो बाहर चलते हैं। मुझे लग रहा है ना गाइज अपना जो अपनी जो जगह ना जहाँ पे अपने को कपड़े चेंज करने ना वो ये जगह नहीं है, ठीक है तो मैं थोड़ा गलत आ रहा हूँ, इससे पहले बाहर चलते हैं। अभी ना मुझे जाना इधर ही, क्योंकि मैंने ना इधर एक जगह देखी थी जो कि ये है भाई, यहाँ पे कपड़े टंगे हुए हैं तो फटाफट से ना भाई यहाँ से अपने लिए कपड़े पहनते पहले तो। ऑल राइट गाइज देख पा रहे हो भाई अपने कपड़े ये वाले कितने ज्यादा मैच कर रहे हैं और कितने बढ़िया भी लग रहे हैं, बट हाँ आफ्टर ऑल ये एक वेटर के कपड़े हैं तो इतना ज्यादा कुछ है नहीं, बट हाँ ये सूट भाई बहुत सही लग रहा है यार अपने, मतलब यार अपने पास इतने पैसे भी नहीं है कि अपन एक बढ़िया सा सूट खरीद पाए अपने लिए, बट ठीक है भाई ये सूट भी बहुत ज्यादा मस्त लग रहा है। और एक सेकंड यार लिफ्ट कहाँ चलेगी भाई, किधर से आया था यार मैं। चलो गाइस ठीक है इधर है अपना एग्जिट एंड चलते नीचे। ऑल राइट गाइस चलो यार ठीक है मैं आ चुका हूँ लिफ्ट से नीचे और बाकी भाई डायमंड कैसीनो के अंदर, अभी मुझे करना है वेटर का काम, बाकी चलो ठीक है ऑर्डर वॉर्डर लेने हैं सब लोगों से, देखते हैं भाई किसको क्या खाना है क्या पीना है, सबको ला ला के देना पड़ेगा। बाकी चलो अभी यार मेरे को सही में बता रहा हूँ यार अपनी लाइफ ना बहुत ज्यादा गंदी चल रही है, बाकी चलो इनसे पूछते हैं भाई इनको कुछ लेना वेना भी है या फिर नहीं। चलो गाइस ठीक है इस लड़की को एक वाइन चाहिए तो मुझे वाइन जो है वो इधर से ही मिलेगी एंड इनसे वाइन मांगते हैं यार फटाफट से। चलो गाइस ठीक है
ये हम देख के आते हैं किनको देनी है। ओके ये इनको देनी है। लो मैडम ये पकड़ो अपनी वाइन। ठीक है गाइज मैंने इधर रख दी है बाकी। चलो ठीक है और किसी से ऑर्डर पूछते हैं किसको क्या खाना है क्या पीना है देखते हैं भाई। अभी यार सही में यार क्या गंदी लाइफ चल रही है यार मैं हैरान हूँ भाई। हम ये काम कर रहे हैं कि सबको ला ला के दे रहे हैं। चलो ठीक है पीछे चलते हैं भाई टेबल गेम्स में किसी को पूछ लेते हैं कि किसी को कुछ खाना है पीना है या क्या है भाई देखते हैं। ऑल राइट वेट 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 पीछे किधर है। ओके यहाँ पे इनके इनसे पूछते हैं और ये देखो भाई लाइफ तो इनकी है भाई अमीरी तो इनकी है पूरी। रुको भाई इनसे पूछता हूँ यार। ऑल राइट गाइस इसको ना बियर पीनी है। चलो ठीक है बियर लेके आते हैं भाई इस बंदे के लिए। ओके बियर मिलेगी अपने को मतलब बियर तो उधर से ही मिलेगी बंदे को ला के देनी है बस और तो कुछ नहीं है। चलो भैया एक बियर दे देना यार। ऑल राइट गाइज इनसे बियर की बोतल ले लिया फटाफट से ना चलते हैं अंदर और ये जो बियर की बोतल है ना उन भैया को दे देते हैं। चलो गाइज ठीक है इनको बियर की बोतल पकड़ा दी है। बाकी यार चलो और पूछ लेते हैं भाई किसको क्या क्या चाहिए यार कुछ ना कुछ तो लाइफ में खतरनाक करना है भाई। क्या सही में बता रहा हूँ अगर पैसा हो ना भाई किसी दिन ये डायमंड कैसीनो मैं अपने लिए खरीदूंगा। और वो देख रहे भाई बाहर एक भीख मंगा बुड्ढा सा वो कह रहा है कि ये एक दिन वो डायमंड कैसीनो खरीदेगा इधर मैं कह रहा हूँ मैं डायमंड कैसीनो खरीदूंगा। बाकी देखेंगे भाई किसका डायमंड कैसीनो होने वाला है बाकी देखते हैं और किसको क्या चाहिए क्या नहीं मुझे तो भैया समझ में कुछ भी नहीं आ रहा। गाइज एक सेकेंड रुकना मुझे ना एक कॉल आ रही है और वो कॉल है सीईओ की मैनेजर की। अरे वो क्यों मुझे बुला रही है वो मुझे बुला रही है यार अपने पास कह रही है काम है एक मिनट आना। अरे क्या काम हो सकता है यार भाई कहीं जॉब से तो निकालने नहीं वाली यार मेरी तो कोई गलती भी नहीं करी भाई अभी तक तो बट देखते हैं यार। वो कह रही 5 मिनट तक मेरे पास आ जाओ। चलो जब तक गाइस 5 मिनट तक जाना है तो तब तक अपन कोई देख लेते हैं यार। अरे भैया क्या दिन आ चुके हैं भाई ये कह रही है कि इधर साफ सफाई करो जब तक तुम मैं यार पूरा डायमंड कैसीनो थोड़ी ना साफ करने वाला हूँ अब मैं यार। गाइज मुझे तो लग रहा है ना भाई इन्होंने मुझे पता नहीं भाई वेटर के लिए रखा या साफ सफाई के लिए रखा बट हाँ वेटर का काम ही होता है साफ सफाई करना बट अभी मेरे से भाई ये काम नहीं होते बट मुझे सीईओ की मैनेजर सीईओ जो है ना गाइज मैं अभी आप लोग को बता देता हूँ कन्फ्यूज मत होना बहुत लोग कन्फ्यूज हो रहे होंगे सीईओ कौन है और मैनेजर कौन है। जो सीईओ है ना गाइज वो है ताओ चेंग है उसका नाम बंदे का जो इस डायमंड कैसीनो का सीईओ मतलब मालिक है। ठीक है तो जो वो मैनेजर है ना वो मतलब उस जो मालिक है ना उसकी मैनेजर है। ठीक है तो उसका मतलब समझो ये पूरे डायमंड कैसीनो में ना सबसे पहला पूरा जो मतलब पावर है ना वो तो भाई ताओ चेंग की है क्योंकि वो एक मालिक है भाई इस पूरे डायमंड कैसीनो का तो सीईओ है मतलब। तो जो उससे नीचे है ना वो है मैनेजर उसकी। ठीक है तो उसकी पूरी पावर है अगर मेरी उसके साथ बनी रही ना तो यार ये जो वेटर वाला काम है ना ये भैया मेरे पल्ले नहीं पड़ने वाला और मैं ना ही करने वाला हूँ। बाकी चलो ठीक है अभी मुझे क्या करना है ना और वेटर वाले काम को छोड़ो उस मैनेजर ने मुझे बुलाया मैनेजर मैडम ने मुझे बुलाया और किस लिए बुलाया है पता नहीं है बट देखना पड़ेगा। चलो एक सेकेंड ओके यहाँ पे तो रेस्ट रूम है भाई एक तो ना इनका मैनेजर रूम नहीं मुझे मैनेजमेंट रूम नहीं समझ में आता वो कहाँ है हमेशा गुम जाता है यार मेरे से। ऑल राइट मिल चुका है। चलो भाई ठीक है यार मैनेजर ने क्यों बुलाया वो जाके देखना पड़ेगा। चलो भाई चल के ही चलते हैं और उनसे जाके बात करते हैं क्यों बुलाया है मुझे और क्या काम है। ओके और हमें जाना है इधर अंदर। ओके गाइस हम आ चुके हैं मैनेजर मैडम के पास इनसे जाके बात करते हैं कुछ ज्यादा ही परेशान सी लग रही है क्या प्रॉब्लम हो गई मैडम बताइए जरा। ऑल राइट गाइज मेरी जो है ना भाई मैनेजर मैडम से पूरी बात हो चुकी है और ये कह रही है कि एक प्रॉब्लम हो चुकी है इसका एक भाई है जिसको ना कुछ गुंडे तंग कर रहे हैं और उन गुंडों ने ना भाई उसने ना भाई इसको धमकी भेजी है अगर तुम अभी मतलब आज रात तक अपने भाई को ना छुड़वाने आए तो हम तुम्हारे भाई को ख़त्म कर देंगे मार देंगे एंड अगर अपने भाई को छुड़वाना है तो $1 million लगेगा और $1 million आज की डेट में बहुत ज़्यादा पैसे हैं। और ये कह रही है कि मैं अपने किसी सिक्योरिटी गार्ड को भी बता नहीं सकती क्योंकि क्या बोलूँगी कि इतनी बड़ी मैनेजर हो के अपने भाई को मतलब अपने भाई को सेफ नहीं रख सकती मतलब अपने घर पे सिक्योरिटीज नहीं रख सकती। ये गाइज मेरे से हेल्प मांग रही है मतलब ये कह रही है कि जितने भी अपने अंदर वेटर्स हैं ना मुझे किसी में भरोसा नहीं है सब ऐसे ही नल्ले हैं वो जाके सीईओ को कंप्लेंट भी कर सकते हैं मुझे तुम पे पूरा भरोसा है। अरे मैडम आपने अगर मेरे पे भरोसा करा ना तो मैं ऐसा बंदा नहीं हूँ कि आपका भरोसा तोड़ू क्या बोलते हो गाइज इसकी हेल्प करनी चाहिए यार मेरा तो मन कर रहा है। ऑल राइट गाइज मेरी जो है ना भाई इन मैडम से पूरी बात हो चुकी है और मैडम मेरे को बोल रही है प्लीज जल्दी करो अगर तुम कर सकते हो तो। बाकी चलो ठीक है भाई हमें इनकी हेल्प करनी है। गाइज लिफ्ट तो खुल चुकी है अभी यहाँ से चलते हैं सीधा नीचे और भाई मैडम की वैल्यू देख लो पैस की टांग इनके ऑफिस में ही लिफ्ट लगी हुई है। चलो गाइज चलते हैं सीधा गैराज पे। ऑल राइट गाइज ठीक है यार हम आ चुके हैं नीचे पार्किंग में आ जाओ मैडम फटाफट से आ जाओ और आपकी कार कौन सी है मुझे तो वो भी पता नहीं है बट ठीक है ओके मैडम कह रही है कि इनकी रोल्स रॉयस है। ओ पैस की टांग रोल्स रॉयस अरे चलाएगा कौन
चलाएगा कौन मैडम ये तो बता दो। भाई मुझे चलाने को बोल, पैस की टांग भाई, ये करोड़ों की कार मुझे चलाने को बोल रही है यार। भाई 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 क्या गाड़ी है यार, इसको तो इतना ज्यादा संभल के चलाना पड़ेगा ना। क्या भैया क्या ही बोलूं, ये थोड़ी सी में टक्कर लगी ना समझो, जो खर्चा है वो हजारों में नहीं भाई लाखों में आने वाला है, तो ध्यान से चलाना पड़ेगा गाड़ी को। वह सॉरी सॉरी सॉरी, इधर भी गाइस कितने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, ये इनको क्यों नहीं लेके जा रही यार, ये मुझे ही क्यों लेके जा रही है भैया, मेरे वो समझ में नहीं आ रहा। बाकी चलो ठीक है, हाँ हो सकता है शायद कुछ पर्सनल बात हो, शायद अपनी बेइज्जती से डर रही हो। गाइस मैंने इनसे पूछा प्रॉब्लम क्या है, आप सिक्योरिटी गार्ड्स को बोल दो ना, इतने सारे सिक्योरिटी गार्ड है, वो तो सारे आपकी जाके हेल्प कर देंगे। पर ये कह रही है कि मैं उनको नहीं बोलना चाहती, क्योंकि ये कह रही है कि मेरी बेइज्जती होगी और सारे बहुत गंदा सोचेंगे, क्योंकि इसकी ना बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट है। ठीक है, तो ये कह रही है कि मैं तुम्हारे साथ तो सारी बात कर सकती हूँ, कि जब तुम मेरे पास आए थे ना जॉब मांगने, तो मुझे पता था कि तुम्हारी जो मतलब तुम जो है ना वो जॉब करने लायक नहीं हो, तुम खतरनाक काम करने वाले बंदे हो भाई। तो ये कह रही कि मुझे पता है कोई ना कोई मजबूरी रही होगी तुम्हारी, तुम इसीलिए जॉब करने आए हो, पर तुम्हारे फेस से देख के लगता नहीं है कि तुम छोटी मोटी जॉब करने वाले बंदे हो। बाकी चलो गाइस ठीक है, किसी ने तो अपने अंदर की बात समझी। बाकी चलो ठीक है, ये मुझे कह रही है कि इसके भाई को किसी ने किडनैप किया है, बाकी देखते हैं भाई कौन बंदे, अपने पास तो ना गन है ना ही कुछ वेपन है, बट देखते हैं भाई कुछ ना कुछ तो करके इसके भाई को बचाना तो पड़ेगा ही। अगर आज मैं इनके भाई को बचा लिया ना, तो समझो भाई मैं इसकी नज़रों के सामने ना एक हीरो बन जाऊंगा भाई। चलो इसके बाद पैसा बहुत है, मतलब यार एक डायमंड कैसीनो की सीईओ की मैनेजर होना भी ना समझो करोड़ों रुपए है इसके अकाउंट में। चलो ठीक है भाई, अपने को क्या है, अपने को कौन सा लूटना है, बाकी अपने को हेल्प करनी है तो आज इसकी हेल्प कर देते हैं। चलो गाइस ठीक है, निकलते हैं इसके जो ये अभी लोकेशन बता रही है ना वहां पे निकलते हैं यार फटाफट से। ओके गाइस, किडनैपर्स ने ना हमें गाइस ऐसी गलत सी जगह पे मिलने के लिए बुलाया ना, मैं आप लोगों को क्या ही बताऊं। और ये कह रही कि मुझे बहुत ज्यादा डर लग रहा है, प्लीज तुम मेरे भाई को बचा लोगे ना। अरे मैडम मैं बचाने को तो बोलता नहीं हूँ, बट हाँ ठीक है मैं आपके लिए लड़ जरूर जाऊंगा, और जितना मेरे से हो पाएगा ना मैं लड़ लूंगा। और एक सेकेंड, लोकेशन जो है ना भाई इसके ऊपर की शो कर रही है, और मुझे भाई ये रॉल्स रॉयस को इसके ऊपर चढ़ाना पड़ेगा। वेट 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 एक सेकेंड, ओके ऊपर तो हम आ चुके हैं, बट ये लोकेशन अभी कहाँ पे जा रही है, एक सेकेंड थोड़ा आगे की बता रही है, रुको एक सेकेंड गाइज, लोकेशन जो है वो इधर को आ रही है। एंड एक सेकेंड, हाँ ओके सामने खड़े हैं, रुको 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 रुको, मैं ना इसको बोलता हूँ तुम जाओ और उनसे ना जाके पूरी फुल ऑन बात करो। ओके गाइज मैंने इसको बोल दिया कि तुम ना पहले जाके उससे बात करो कि वो बंदा आखिरकार बोलता क्या है। ओके इसको जाने देते हैं, पहले मैं ना गाड़ी से काम करता हूँ, गाड़ी को ना धीरे धीरे ना आगे बढ़ाता हूँ। रुको ओके गाइज चलो ठीक है, मैडम तो भाई जा रही है, सबसे पहले ना इसको मैं जाने देता हूँ एंड देखता हूँ भाई वहाँ पे जाके ये बात बात करती भी है या फिर नहीं। ओके ये वहाँ पे पहुँच तो गई है। ओके गाइस ठीक है यार, मैडम और उस पर ना काफ़ी देर से बात चल रही है, बट ये मुझे नहीं पता भाई ये समझेंगे या फिर नहीं। और ओके सामने उसका भाई बैठा है जो कि इसको इन्होंने पकड़ रखा है, बट मुझे पूरा विश्वास है कि ये बंदे नहीं समझने वाले, और अब मुझे लग रहा है कि मुझे इन पे हाथ उठाना पड़ेगा। काफ़ी टाइम से समझा रही है मैडम, तेरी पैंस की टांग, निकल 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 तेरी ऐसी की जैसी, वेट 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 तेरी पैंस की, गन चलाएगा गन चलाएगा गन चलाएगा, आर्मर पहन रखा है तेरे बाप ने, आर्मर पहन रखा है, गन चलाएगा। वेट एक सेकंड, अभी आई हो जरा, कौन था लड़ने के लिए, पैंस की टांग, सभी डर के भाग गए क्या। चलो ठीक है यार अब डरने की कोई जरूरत नहीं है, चलो यार चल। वेट 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 वेट, वेट एक सेकंड, मुझे यहाँ पे डंडा मिला है ना पैंस की, पहले तो तेरा सर फोड़ता हूँ। वेट किधर आ रहा, ओ भाई बंदे ने बहुत जोर से लगाई, एक सेकंड तेरी पैंस की, निकल निकल तेरी ऐसी की जैसी, इनके डंडे बजाता हूँ, रुको रुको रुको, वेट वेट इनके इनके चूतड़ कूटूंगा भाई, ढंग से इनके चूतड़ कूटने पड़ेंगे, ऐसे बात नहीं बनने वाली, उठेगा तेरी पैंस की डंग। चलो गाइस ठीक है, हमने यहाँ पे सारे बंदे मार दिए हैं, और ओके अबे उठ जा भाई, अब कितनी देर ऐसे लटका रहेगा। ऑल राइट गाइस ठीक है यार, हमने इस मैडम के भाई को बचा लिया है, और ये बोल रही है कि थैंक यू सो मच माइकल, तुमने मेरी इतनी हेल्प करी है। अरे यार ऐसी टेंशन वाली बात नहीं है यार, मैडम कोई टेंशन मत लो। बाकी छोड़ो मैडम कोई टेंशन वाली बात नहीं है, आप चलो मेरे साथ, अपन चलते हैं सीधा डायमंड कैसीनो में, और जो मेरी जॉब है वो मुझे करनी है। ठीक है भाई देखते हैं डायमंड कैसीनो में अभी अपने लिए क्या क्या जॉब है, चलो आ जाओ जल्दी से आ जाओ यार, फटाफट से बैठो, और क्या ही बोलूँ यार अभी, चल भाई आ जा यार, तू तो बैठ और मैडम भी बैठने वाली है अभी, चलते हैं सीधा डायमंड कैसीनो में, और जितने भी काम है अपने करने पड़ेंगे। शाम हो चुकी है थोड़ी देर में, मतलब रात भी हो जाएगी, इनको छोड़ने के बाद ना मैं अपने घर पे जाऊंगा, और ट्रेवर एंड ब्रेड भाई साहब अपना वेट कर रहे होंगे, और आज अपने को मतलब अपनी दिन की दिहाड़ी मिलने वाली, और घर पे जाके ना खाना बढ़िया बढ़िया खाना लेके जाएंगे उनके लिए दोनों के लिए, ताकि भाई वो भी काफ़ी टाइम से बेचारे ऐसे ही काफ़ी टाइम से उन्होंने भी कुछ ढंग का खाया नहीं होगा,
और आज बढ़िया पेट भर के खाएंगे अपने कारण। चलो ठीक है गाइस, अभी यहाँ से पहले निकलते हैं नीचे। और एक सेकेंड, अब ये मैडम कह रही है कि यार तुम इतनी अच्छी ड्राइविंग कर लेते हो गाड़ी, और तुम एक साइकिल क्यों है तुम्हारे पास, तुम भी अपने लिए गाड़ी लो ना। अरे यार इसको, यार ये तो दुखती रख पे भाई हाथ रख रही है यार, इसको क्या ही बोलूं। गाइज अपने पास एक बहुत, आपको पता है यार जब अपने पास ना पैसे नहीं थे ना, तो मैं ना भाई जंक यार्ड गया था। आप लोगों को याद होगा जो इस सीरीज को काफी टाइम से देखते आ रहे ना, उनको तो पक्का ही याद होगा हम ना जंक यार्ड पे गए थे। तो जंक यार्ड पे हमारे पास ना पैसे बिल्कुल भी नहीं थे, तो जंक यार्ड पे जाके ना हमने गाड़ियों के पार्ट्स खरीदे थे, सारे पार्ट्स, बॉडी, इंजन एंड सीट्स सब कुछ लेके आए थे। उसके बाद ना हमने घर पे जाके खुद की एक गाड़ी बनाई थी, ठीक है। तो वो गाड़ी आप लोग फोटो में देखो भाई, आप लोग काफी टाइम, काफी लोगों को याद भी होगा ये गाइस गाड़ी जो है ना, मैंने वो खुद से अपने हाथों से बनाई थी। बट वो गाड़ी का भी सीन बता देता हूँ भाई, फ्रैंकलिन के चक्कर में ना, फ्रैंकलिन ने बोला कि उसका एक फ्रेंड है जो इस गाड़ी को बहुत ज़्यादा खतरनाक बना देगा, एंड हमने ना वो कबाड़ गाड़ी उसको दे दी। बट अब वो मांग रहा है $1,00,000, अपने पास इधर भाई खाना खाने के पैसे नहीं है, उसको हम $1,00,000 कहाँ से दें। तो मैडम ये है मेरी सारी कहानी, अभी आप समझ रहे हो है। अबे ये मैडम कह रही है कि तुम उसी के पास चलो, मैं तुम्हें तुम्हारी गाड़ी दिलाऊंगी है। भाई ये मजाक कर रही है यार, ऐसा कोई होता है कोई किसी के लिए गाड़ी दिलवाता है। भाई ये मैडम मुझे कह रही है कि अगर देखो अगर तुम मेरे साथ ना जाते तो वो किडनैपर्स को मुझे $1,000,000 देना पड़ता, और तुम्हारी गाड़ी रिपेयर कितने में हुई है, मैंने बोला 1,00,000 में। ये कह रही है कि तुम वहीं पे डालो, आज तुम्हें मेरी तरफ से एक गाड़ी गिफ्ट मिलेगी। क्या सच्ची में? अरे यार ट्रेवर एंड ब्रैड तो बहुत ज्यादा खुश होंगे यार घर पे जाके। चलो गाइस ठीक है, अभी यहाँ से अपनी गाड़ी भगा के सीधा निकलता हूँ मैं फ्रैंकलिन के फ्रेंड के गैराज के लिए। ऑल राइट गाइस, हम जो है ना भाई अपनी गाड़ी को भगा के गैंगस्टर भैया के मतलब फ्रैंकलिन के फ्रेंड के गैराज पे पहुंच चुके हैं। गाइस मैं सच्ची में बोल रहा हूँ, ये ना मेरे सपने से भी बढ़ के है कि कोई मुझे ऐसे गिफ्ट दे रहा है गाड़ी, वो भी भाई। चलो ठीक है, अभी अपनी गाड़ी को ऐसे करके लगाता हूँ, और ये मैडम कह रही है कि अपने भाई को कि तुम गाड़ी लेके ना घर पे जाओ। ओके ठीक है, ओके गाइस ठीक है यार, इनका भाई जो है ना वो गाड़ी को लेके यहाँ से जा रहा है। बट भाई मेरी गाड़ी यार गाइस, ये तो सच्ची में सपने से भी ऊपर है यार, कसम से मजाक थोड़ी है भाई। ये गाड़ी को खरीदने के लिए मैंने सपना सोच रखा था, और क्योंकि भाई ये $1,00,000 में गाड़ी रिपेयर हुई थी, और भाई फ्रैंकलिन इतना घटिया आदमी, इसको गाड़ी वो कबाड़ वाली दे तो गया, बट मतलब जब पैसे देने का टाइम आया तो बंदा भाग ही गया। चलो गाइस ठीक है यार, अबे सुनियो यार, सर बेनी सर जो भी आपका नाम है सुनना यार, मुझे बताओ सर आपकी ये जो गाड़ी है पूरी फुल तैयार है कि नहीं। भाई 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 गाइस अभी भी आप लोग एक बार फिर से फोटो में देखो भाई, अपने पास ये कबाड़ कार थी, और एक बार ये देखना गाइस कितनी ज्यादा खतरनाक, कितनी मस्त गाड़ी बनाई है बंदे ने। भाई क्या मैडम ने तो भाई इस गाड़ी की पेमेंट भी कर दी है, मजाक चल रहा है यार क्या। भाई आप लोग गाइस एक चीज नोटिस करो, आप एक जॉब पे लगे हो ठीक है, तो आप जॉब पे जाते हो कि हाँ भाई चलो दिन के पैसे बन जाएंगे और घर पे आ जाएंगे। कभी आप लोगों ने सोचा एक जॉब पे जाओ आपका पहला दिन हो और आपको पहले ही दिन में इतना खतरनाक गिफ्ट मिल जाए? यार सच्ची में मैं कोई सपना तो नहीं देख रहा हूँ भाई, एक सेकेंड, अबे यार अबे सपना तो नहीं देख रहा हूँ यार मैं सही में यार, है तो रियली। पर ये क्या मजाक चल रहा है यार? अरे गाइस यार क्या गाड़ी है यार, और मैडम भी भाई पूरा फुल चीयर कर रही है, और भाई ये और फ्रैंकलिन का फ्रेंड बेनी भी पूरा चीयर्स कर रहा है मेरे को यार। गाइस यार कभी सोचा नहीं था भाई कभी इतने लायक हो जाऊंगा कि कभी खुद की एक गाड़ी होगी। गाइस एक चीज सोच रहे हो भाई, मेरे पास खुद की गाड़ी तो है बट इस गाड़ी में भरवाने के लिए पेट्रोल के पैसे नहीं है भाई मेरे पास। गाड़ी कितनी ज़्यादा मस्त, कितनी ज़्यादा ओपी है यार, सही में गाइस कमेंट करके बताना कि आप लोगों को ये वाली गाड़ी कैसी लगी यार। चलो ठीक है भाई, इधर उधर की बातें नहीं करते भाई, फटाफट को मैडम फटाफट से चलते हैं, और मैडम को ना भाई डायमंड एंड कैसीनो में छोड़ के आते हैं, क्योंकि भाई मैडम ने जो गिफ्ट दिया ना, कसम से बोल रहा हूँ इससे बढ़िया गिफ्ट ना ही मेरी लाइफ में आज तक मैंने कभी देखा होगा और ना ही मुझे कभी मिला होगा। भाई ये मेरी लाइफ का सबसे बड़ा गिफ्ट है, और पता नहीं भाई मुझे ऐसे क्यों लग रहा है डायमंड कैसीनो में रहते रहते ना मेरी लाइफ पलटने वाली है यार। मतलब मैं लगा तो भाई डायमंड कैसीनो में एक वेटर था, और आज एक वेटर के पास खुद की एक मस्त गाड़ी है यार, क्या मजाक चल रहा है यार ये। चलो गाइस ठीक है, इधर उधर की बात नहीं करते, फटाफट से चलते हैं डायमंड कैसीनो में। ओके गाइस फाइनली जो है मैं अपनी गाड़ी को भगाते भगाते आ चुका हूँ डायमंड कैसीनो में, और एक काम करते हैं अभी के लिए तो गाइस फिलहाल के लिए तो हम ये गाड़ी यहाँ पे लगाते हैं, और अपना सामने भाई आगे जाके साइकिल खड़ा है, भाड़ में जाए वो साइकिल। अब तो इतना महंगा इतना मस्त गिफ्ट जो मिल गया है, अब क्या करेंगे यार उसका।
चलो ठीक है मैडम आप आ जाओ, और मुझे तो भाई अभी अपना वही काम करना है जो वेटर वाला। चलो गाइस ठीक है अभी फटाफट से चलते हैं डायमंड कैसीनो के अंदर और देखते हैं भाई अभी क्या करना है यार हमें। कोई तो कोई काम होंगे या फिर शाम तो हो ही चुकी है, मैडम से पूछ के यार आज घर पे ही चले जाते हैं, कल से काम कर लेंगे यार। चलो गाइस ठीक है यार मैं मैडम को छोड़ के ना भाई आ चुका हूँ डायमंड कैसीनो के अंदर। बाकी चलो गाइस ठीक है अभी जो है मेरी मैडम से पूरी बात हो गई थी और मैडम ने मुझे बोल दिया कि आज तुम्हारी छुट्टी है तुम जा सकते हो, कोई बात नहीं तुम खुशी खुशी जाओ अपना घर पे खुशी मनाओ। चलो ठीक है यार अब इधर मैं क्या करने आ रहा हूँ यार, फटाफट से चलते गाइस बाहर। एंड अपना भाई आज तो बढ़िया दिन है यार, सही में यार मैं सोच नहीं सकता। चलो गाइस ठीक है यार जो खुशी मैं फील कर रहा हूँ ना वो सिर्फ मैं ही फील कर रहा हूँ भाई, सही में यार आज कितना बढ़िया दिन गया। अब घर पे जाके ना भाई ब्रैड एंड ट्रेवर को दोनों को खुश करने वाला हूँ कि आज यार अपने साथ इतना मस्त हुआ, अब तो नई गाड़ी आ चुकी है, गेड़ी शेड़ी मारने चलेंगे, अब तो क्या कुछ नहीं करेंगे यार हम। एक सेकंड गाड़ी किधर खड़ी करी थी यार मैंने, वेट सामने खड़ी है फूलों वाली गाड़ी भाई, दूर से ही दिख जाती है। चलो ठीक है चलते हैं भाई अभी सीधा घर पे और जाके भाई उन दोनों को ना गाड़ी दिखाते हैं मस्त वाली। भाई मैं सही में बता रहा हूँ ट्रेवर एंड ब्रैड दोनों खुश होने वाले हैं भाई गाड़ी को देख के। चलो गाइस ठीक है अभी इधर उधर की बातें नहीं करते फटाफट चलते अपने घर की तरफ। चलो गाइस ठीक है यार फाइनली जो है मैं अपने घर पे पहुंच चुका हूं। वेट अभी अपने घर पे पुलिस क्यों आई है यार, यार ये पुलिस का क्या मजाक चल रहा है भाई, जब भी मन करे आ जाते हैं, बट एक सेकेंड इस बार इन्होंने किसी और को पकड़ा है, आई थिंक शायद हो सकता है भाई फ्रैंकलिन भैया को ही पकड़ा होगा। बट एक सेकंड रुको जरा मुझे ना पहले गाड़ी को ना सही ढंग से यहाँ पे पार्क लगाता हूँ एंड उसके बाद जाके ना भाई इन पुलिस वालों से बात कर दो। अभी तो अपनी किसी से लड़ाई भी नहीं है यार, अभी सीन क्या चल रहा है और यहाँ पे काफी सारे पुलिस वाले खड़े हो और ऊपर हेलीकॉप्टर्स की आवाज़ तो आ रही बट हेलीकॉप्टर दिख नहीं रहे भाई क्या चल रहा है। ओके एक हेलीकॉप्टर ऊपर ही है बाकी चलो एक सेकेंड ये तो ब्रैड है भाई और एक सेकेंड ट्रेवर रो क्यों रहा है, अरे भैया क्या चल रहा है। एक सेकंड मैं पहले ना मैं जाके ना जल्दी से गैंगस्टर भैया से बात करता हूँ यार, सेकंड क्या बात है भाई क्या सीन हो गया क्या रो। ऑल राइट गाइस ये कह रहे कि ये जो ब्रैड है ना भाई ये सबसे बड़ा चोर है नॉर्थ यंगटन का और ये नॉर्थ यंगटन से भागा हुआ है, इसीलिए भाई नॉर्थ यंगटन की जो गवर्नमेंट है उन्होंने लॉस सेंटोस में बोला कि ऐसा बंदा है जो भागा हुआ है इसको पकड़ो। बट एक सेकेंड इसको तो भाई गैंग्स वालों ने पकड़ा था ना, अरे भैया मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा बट सीन क्या चल रहा है यार। गाइस यार ये तो बैठने जा रहा है गाड़ी के अंदर और गाइस ये पुलिस वाले सारे चले भी गए भाई उसको लेके, और एक सेकेंड ये क्या सीन था भाई पुलिस आई एंड उसको पकड़ के भी ले गई और ऊपर से हेलीकॉप्टर, अरे क्या सीन था भाई। और ड्राइवर तू क्यों रो रहा है भाई मुझे तो समझ में ये नहीं आ रहा, वो कौन सा अपना कोई फ्रेंड था यार भाई, कम से कम तू तो चुप हो जा यार। गाइस यार ये ट्रेवर तो भाई रोना बंद ही नहीं हो रहा और वो कह रहा है कि भाई ये मेरा सबसे अच्छा दोस्त था, मुझे नहीं पता मुझे वो वापस चाहिए किसी भी हालत में माइकल, अरे मैं उसको कैसे लेके आऊं यार। अगर गाइस मेरे हाथ होता तो मैं पुलिस वालों को रोक लेता बट पुलिस वालों ने ना गाइस मुझे दो बातें बोली हैं, उन्होंने बोला है कि जो ब्रैड है ना ये नॉर्थ यंगटन से भागा हुआ है ठीक है, दूसरी बात जो ब्रैड है ना इसने भाई बहुत बड़ा कांड किया था नॉर्थ यंगटन में। अब भैया उन्होंने मुझे पूरी बात तो नहीं बताई, ये बात बोल के वो लेके भाई भाग चले भी गए। अब गाइस क्या सीन है क्या कुछ समझ में नहीं आ रहा भाई। बाकी गाइस हाँ मैं आप लोगों को बोल देता हूँ भाई ये जो सीरीज है ना अगर गाइस आप पहली बार देख रहे हो ना तो गाइस मैं आपको बता देता हूँ भाई पूरी सारी वीडियोस देखना ठीक है, 8-9 ही है इस चैनल पे वीडियोस, कुछ ज्यादा नहीं है और मतलब छोटी ही है वीडियोस भाई, ज्यादा नहीं है 10-10, 15-15, 20-20 मिनट के ही वीडियोस हैं। मैं आप लोग को सही में बोल रहा हूँ भाई शुरू से देखना तभी आप लोग को पता चलेगा इसमें ना गाइस हम लोग माइकल की पास्ट लाइफ, फ्रैंकलिन के, ट्रेवर की, लेस्टर की, डगन बोस तक की भाई सबकी पास्ट लाइफ चला रहे हैं ठीक है। तो मतलब पास्ट लाइफ जो आप लोग समझ लो भाई पहले का टाइम जब हमारे पास कुछ भी नहीं हुआ करता था, और ये फ्रैंकलिन का घर है साथ वाला और ये मेरा घर है भाई ठीक है। तो मैं आप लोग को पहले ही बोल देता हूँ भाई अगर तो पहली बार देख रहे हो ना ये वीडियो तो शुरू से देखो तभी आप लोग को भाई मजा आने वाला है। मैं आप लोग को बता देता हूँ गाइस इसका हैशटैग 145 से हमने शुरुआत करी थी, तो भाई अगर हो ना भाई तो वहां से देखना शुरू करना तभी गाइस आप लोग को मजा आने वाला है भाई इस सीरीज को देखने में। तो बाकी चलो गाइस ठीक है अभी आप लोग सोच रहे हो कि भाई ये वीडियो छोटी क्यों रही, भाई ये छोटी है क्योंकि मेरे घर पे कंस्ट्रक्शन का काम चल रहा है मैं वीडियो बना नहीं पा रहा हूँ, मुझे पता है भाई रात के 3 बज रहे हैं और मैं रात के 3 बजे ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, मेरी प्रॉब्लम समझो गाइस मुझे पता है, एक बार बस ये कंस्ट्रक्शन का काम खत्म हो जाए वीडियोस धड़ाधड़ आएंगी। अब तो बहुत ज़्यादा खतरनाक खतरनाक कॉन्टेंट आने वाला है भाई सीरीज में, बहुत कुछ होने वाला है जल्दी ही
बहुत कुछ होने वाला है, मैं नहीं बताना चाहता गाइस, बस आप लोग को वीडियो के जरिए पता चलता रहेगा। तो बाकी हाँ गाइस, आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी इस वीडियो को शेयर किया करो, क्योंकि देखो भाई अपन माइकल जो है ना वो सबका फेवरेट है, जिस चीज का भी फेवरेट है ना वो अपने दोस्तों को शेयर करो। गाइस अभी आप लोग खुद सोचो भाई, जो माइकल है वो लॉस सैंटोस का सबसे बड़ा गैंगस्टर कैसे बना भाई, मैं वो ही तो दिखा रहा हूँ भाई। हमने वो टाइम से इस सीरीज को शुरू किया था जब माइकल अपनी फैमिली को छोड़ के यहाँ पे आया। मैं जल्दी ही आप लोग को माइकल की फैमिली के साथ भी मिलाने वाला हूँ, तो फटाफट से लाइक कर दो। अगर गाइस इस वीडियो पे 8000 लाइक्स आ गए तो नेक्स्ट एपिसोड में मैं आप लोग को माइकल की फैमिली के साथ मिलाने वाला हूँ, तो फटाफट से सारे के सारे बंदे भाई लाइक करने लग जाओ। तो चलो यार गाइस करते हैं इस वीडियो का एंड। वीडियो कैसी लगी वीडियो को लाइक करके बता देना, वीडियो अच्छे से कमेंट कर देना, वीडियो को दोबारा शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए गाइस बाय बाय।